15 अगस्त को मुस्लिमों को तिरंगे को सलामी देनी है, इस बात का फैसला अब कुछ मौलाना कर रहे हैं। कट्टरपंथी सोच रखने वाले इन मौलानों ने देश का माहौल बिगाड़ने का ठेका ले रखा है। अभी हाल ही में गुजराती पोर्टल देश गुजरात की रिपोर्ट के मुताबिक पोरबंदर के एक मौलाना हाफिज वासिफ रदा का कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें ये कहते हुए मौलाना को सुना गया, मुसलमानों तिरंगे को सलामी नहीं देनी चाहिए। हालांकि इस पर जब कुछ प्रोग्रेसिव मुस्लिम युवकों ने मौलाना से सवाल किया तो मौलाना ने स्वीकार किया कि उसने फतवे में जो भी कहा है वो सही है। इसके बाद युवकों ने मौलाना की बात को खारिज करते हुए कहा कि मुसलमानों को देशभक्त होना चाहिए क्योंकि ये पैगंबर का संदेश है। इसी बीच एक मौलाना ने 15 अगस्त को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की एक महत्वपूर्ण बैठक ग्रैंड मुफ्ती हाउस दरगाह आला हजरत में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि भारत को आजाद हुए 75 साल गुजर गए, आजादी में पसमानदा मुसलमानों का भी योगदान रहा है। मेरी अपील है कि जश्न आजादी को धूमधाम से मनाएं और इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन करें। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, पूरे हिंदुस्तान के लोग जश्न आजादी मना रहे हैं और ये जश्न आजादी दरअसल भारत की जमहूरियत का जश्न है और इस जश्न में हर शख्स हर मजहब का मानने वाला भागीदार है और उसके खानदान उसके बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम लोग जश्न जमहूरियत शान और शौकत के साथ मना रहे हैं। और मैं तमाम लोगों से, हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों से, बिलखुसूस मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि तिरंगा झंडा अपने दुकानों मकानों पर लगाएं और ख़ास तौर पर जो मजहबी इदारे हैं, मदरसे हैं, उन मदरसों में भी तिरंगा झंडा लहराएं और जश्न आज़ादी के प्रोग्राम मुनक़िद करें। आज से झंडा लगाएं और ये झंडा 16 अगस्त तक लगना चाहिए, क्योंकि ये तिरंगा हमारे मुल्क की शान है और यहाँ हर एक नागरिक की इज्जत और सम्मान से वाबस्ता है। जैसा कि मैंने पहले ऐलान किया है, उस पर सभी लोग अमल करें, यही हमारी शान बान आन है। चूंकि हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत करना हमें हमारे इस्लाम ने सिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने हमें शिक्षा दी है, तालीम दी है। फिलहाल मौलाना के इस बयान पर कट्टरपंथियों को मिर्ची लगना तय है, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।